चलिए आज हम आपका स्वागत करते हैं बाबा हंटर के इस YouTube चैनल पे। आज हम जानेंगे ब्लू जींस के निर्माण के बारे में। इसमें मुख्य तौर पे दो किरदार हुआ करते थे, लेवी स्ट्रॉस और जैकब डेविस। लेवी स्ट्रॉस जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में लेवी स्ट्रॉस एंड को के नाम से एक कंपनी का स्थापना किया था 1853 में। उन्होंने पहले सीजर्स और कैनवास बनाना शुरू किया। फिर स्ट्रॉस ने सोचा क्यों ना हम माइनर्स के लिए हैवी कॉटन ट्विल्स बनाना शुरू करें, जिसे हम आज डेनिम के नाम से जानते हैं। इस कहानी में दूसरा नाम आता है डेविस का, जो एक टेलर हुआ करते थे। उनका भी पैसा वर्क ट्राउजर्स बनाने का था, लेकिन डेविस के क्लाइंट्स कंप्लेन करने लगे कि उनका पॉकेट्स बहुत ही जल्दी रिप आउट हो जा रहा है। तो उन्होंने इसका हल मेटल रिपेयर्स के रूप में खोजा। डेविस की इकोनॉमिक स्थिति अच्छा नहीं होने के कारण उन्होंने लेविस से हाथ मिला लिया और उन्होंने जॉइंट पेटेंट के लिए अप्लाई किया। और इसी तरह डेनिम मार्केट में आया और आज हम उसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।